चला रहा माइक छोटू गांव है, गुड़ा माधवी विधानसभा है। हमारा मुझे का फोन आया था, उन्होंने वीडियो देखा होगा। तो वहां पे उन्होंने इलेक्शन के अंदर पुलिस पोस्ट आया हुआ था, जैसे मैं उसको छोड़ने के लिए ये लोग गए हुए थे। आपके रोडवेज वाले को बुलाया था मैंने, उसे दिखाई हाँ चार बसें गई थी। तो ये एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ, तो सही प्रॉपर इलाज कराते तो शायद हो जाता है वहाँ पे इलाज तो। लेकिन जिला पुलिस के अंदर और उबड़ खाबड़ रास्ता था, तो उसके जो अंदरूनी चोटें थी वो उस हिसाब से वो ज़्यादा डैमेज हो गया। हॉस्पिटल वार्ड में पहुँचा तब तक लिए तो ये खत्म हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया ये दुकान कलेक्टर ने आश्वासन दिया है, दो डेथ बॉडी मोर्चे में रखी हुई है मग्गा राम की। उस संदर्भ में उदयपुर से इन्होंने से इलाज नहीं करवाया, समय पे इलाज होता तो ये आदमी खत्म नहीं होता। परंतु चुनाव ड्यूटी पे होने के कारण प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कमीशन आयोग को चुनाव के लिए कमीशन को भेजा दिया है, इलेक्शन कमीशन को, और जल्दी से जल्दी इस परिवार को राहत मिलेगी। और रही बात जिन्होंने गलती की उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हमारी डिमांड इस परिवार को राहत मिले। चुनाव आयोग के जो नियम है परिलाभ मिलना चाहिए इस परिवार को, और एक अनुकंपा नौकरी मिले। मग्गा राम जी की जो डेथ हुई है वो राजपाल रोडवेज के अंदर परमानेंट कर्मचारी थे, और जो फोर्स वहाँ से उदयपुर से आया था खेरवाड़ा से, उसको छोड़ने के लिए चुनाव ड्यूटी के बाद में छोड़ने के लिए ये चार बसें बाड़मेर डिपो की गई थी, और वहाँ पे छोड़ करके वापस आने के दौरान उदयपुर के अंदर और रोडवेज के वर्कशॉप के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी की लापरवाही की वजह से इनके चोट लगी। चोट अंदरूनी थी और इसका ये सही ढंग से अनुमान नहीं लगा पाए, जिसकी वजह से ये इनकी मौत हो गई है। और इन्होंने लापरवाही ये की कि उनको हॉस्पिटल में प्राइमरी ऑपरेशन करके प्राथमिक उपचार करके उनको छुट्टी दे दी। तो हॉस्पिटल की गलती रही या इनके साथी कर्मचारियों की गलती रही, इन्होंने वहाँ से उसको डिस्चार्ज करवा करके इसी बस में डाल करके उदयपुर से बाड़मेर लेके आए। लंबा रूट था और अंदरूनी चोटें थी वो और गंभीर हो गई, और इस दौरान रास्ते के अंदर बाड़मेर पहुँचने से पहले इन्होंने दम तोड़ दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको एक तो माना जाए ऑन ड्यूटी चुनाव आयोग के, तो चुनाव आयोग के जो परिलाभ है वो मिलने चाहिए, राजस्थान रोडवेज के जो परिलाभ मिलने चाहिए परिवार वालों को, अनुकंपा नौकरी और दूसरे लाभ वो इनको मिले। सरकार इनको लापरवाही रही है इनके डिपार्टमेंट की, तो इनको मुआवजा देवे और इनकी सही कार्रवाई हो करके, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ में कार्रवाई करें।